हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों साइंस जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, उच्च शोषित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। तो CO2 की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 17% होती है दोस्तों उच्च शोषित वायु के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य का जो एक मिनट में श्वास की दर कितनी होती है। तो मनुष्य 12 से 18 बार श्वास लेता है दोस्तों एक मिनट के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिच्छू का जो श्वसन अंग है उसका क्या नाम है दोस्तों। तो पुस्त फुफ्फस है दोस्तों बिच्छू का श्वसन अंग दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जन्म के समय शिशु दर क्या होती है दोस्तों। तो 35 बार पर मिनट होती है दोस्तों जन्म के समय शिशु की जो श्वसन दर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल से कुल कितना दाब होता है दोस्तों। तो 760 mm ऑफ Hg होता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब समुद्री तल पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों। तो विटामिन के की कमी से नहीं बनता दोस्तों रक्त का थक्का, मतलब चोट लगने पर आपका जो ब्लड है वो रेगुलर फ्लो होता रहता है, मतलब निकलता रहता है दोस्तों और ब्लड का बहना नहीं रुकता है, तो ये विटामिन के की कमी से होता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जो मनुष्य का जो हृदय है उसमें कितनी कोष्ठियाँ होती है दोस्तों। तो कोष्ठियों की संख्या होती है दोस्तों 4 होती है मनुष्य के हृदय के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं दोस्तों। तो ओ प्रकार का जो रक्त समूह है उसे यूनिवर्सल डोनर बोले तो सर्वदाता रक्त समूह भी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हृदय की जो स्पंदन गति है उसको जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। तो उसे बोलते हैं दोस्तों ECG बोलते हैं दोस्तों, हृदय की जो स्पंदन है उसे जांचने की प्रक्रिया को दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय। तो रक्त कैसा होता है दोस्तों, क्षारीय होता है, बिकॉज दोस्तों जो अम्ल की जो pH का मान है वो होता है दोस्तों 7.4 होता है, इसलिए रक्त किस प्रकार की प्रकृति का होता है दोस्तों, क्षारीय प्रकृति का होता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।